डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पहले अब तक स्टडी कर चुके हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी उसके अलावा डेविड ईस्टिंगर पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी डिटेल, इनपुट, आउटपुट, फंक्शन, आज हमने पढ़ना है आलमेंट पॉलिटिकल सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, हम आज पढ़े हैं आलमेंट मॉडल, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मैंने इसकी डायग्राम आपको पहले ही सेंड कर दी है और आई होप आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्यों कहते हैं, ये भी आपको मैंने डायग्राम जब बनाई है वीडियोस में बताया है कि स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनपुट आउटपुट की बात करते हैं और साथ में वो बताता है कि स्ट्रक्चर के फंक्शंस कौन कौन से हैं। जो ये फर्स्ट स्लाइड है, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डेविड ईस्टन, आलमेंट, कि आलमेंट ने क्या क्या किया। उसको पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाता था कि उसने फंक्शंस के ऊपर बात की पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग स्पेशली। ये जो नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड है, ये भी आलमेंट की ही इंट्रोडक्शन है कि उनका वर्क कौन कौन किस किस पे था, उनकी बुक्स का नाम क्या है और उन्होंने किस तरह से डेवलपिंग और डेवलप स्टेट के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया और उनकी जो फंक्शन सिमिलैरिटी है उसको भी हाईलाइट किया। यानी कि सिर्फ उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में काम नहीं किया बल्कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कैपेसिटी और पॉलिटिकल कल्चर, इस तरह की काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिन पे उन्होंने अपनी राइटिंग जो है वो हमें प्रेजेंट की है। लेकिन हमने जो मेनली फोकस करना है आज वो है पॉलिटिकल सिस्टम पर। आलमेंट के नजदीक स्ट्रक्चर क्या है? आलमेंट कहते हैं कि स्ट्रक्चर मींस इंस्टीट्यूशंस। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैव सेवरल इंस्टीट्यूशंस सच एज पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ही यूज पॉलिटिकल सिस्टम इंसिस्ट ऑफ स्टेट। इन हिज ओपिनियन द टर्म स्टेट इज मेनली अ लीगल कॉन्सेप्ट। हम अक्सर ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है स्टेट से लिंक है, यानी कि ये स्टेट के अदारे हैं। लेकिन आलमेंट कहते हैं कि ये स्टेट के अदारे नहीं, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अदारे हैं, क्योंकि जो स्टेट है सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि स्टेट है, दैट्स इट। लेकिन बेसिकली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी जो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम में काम करते हैं। बट पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड मैनी अदर आइडियाज बिसाइड लीगैलिटी। यानी कि अगर हम स्टेट की बात करें तो वैसे भी एक लीगल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बना, कॉन्स्टिट्यूशन उसको चलाता है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के अलावा भी काफी चीजें आ जाती हैं। आलमेंट फर्दर से डैट पावर इज ए लीगल टर्म एंड फॉर डैट रीजन ही कॉन्शियसली अवॉइड द यूज द टर्म ऑफ स्टेट। आलमेंट कहते हैं जो पावर है ना, इसका ताल्लुक स्टेट से है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो पावर का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए आलमेंट अपने आप को स्टेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए दूर रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है तो हमको पावर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा। अब इस स्लाइड में जो आपको समझने की चीज है वो यही है कि आलमेंट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर क्या है। उनके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर आ जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली बीएस के बच्चे और एमएससी के स्टूडेंट, उन सबको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसी होती है और प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसी होती है। हो सकता है कि मैं पेपर में आपसे पूछ भी लूं कि कंपैरेटिवली बताएं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव कैसी है और प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव कैसी है, कि लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव कैसी है और पार्लियामेंट में कैसी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसी है और प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसी है। तो आलमेंट कहते हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं उसमें पोलिटिकल पार्टी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, आलमेंट क्या कहते हैं? In structural functionalism, the structure of political system such as political parties, interest group, legislature, executive, bureaucracy and courts. In structural functional analysis, one determines the important structure then attempt to trace out the function of these structure. In every political system, there are certain structure and these cannot be confused with each other. So far the functions are concerned, there are certain amount of overlapping among the function of structures, but these overlapping should not be overemphasized. अब मैं इसको आपको आसान उर्दू में समझा रही हूँ। आलमेंट कहते हैं कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म बहुत सिंपल है। हाँ, स्ट्रक्चर में कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी, अदालतें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये तमाम के तमाम जो है अपने अपने दायरा कार में, अपने अपने स्फेयर में वर्क कर रहे होते हैं।
इनकी स्ट्रक्चर को, जब इनके ढांचे की बात कर रहे हैं तो आपने एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इन सब के अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब की अपनी अपनी फॉर्मेशन है, ये सब अपने अपने स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं। हाँ, जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो सम टाइम ये एक दूसरे का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? लॉ मेकिंग, कानून बनाना, ये काम एग्जीक्यूटिव भी कर सकती है और लेजिस्लेचर भी कर सकती है। लॉ की प्रोटेक्शन, ये एग्जीक्यूटिव भी कर सकती है और कोर्ट भी कर सकती है। लोगों की डिमांड्स को रेज करना, ये लेजिस्लेचर भी कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं। यानी कि आलमंड के नजदीक जो स्ट्रक्चर्स हैं इन तमाम इंस्टीट्यूशन की अपने अपने हैं, लेकिन जब ये फंक्शन की बात आती है तो ये एक दूसरे के साथ फंक्शन जो करते हैं वो समटाइम ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल के या मिले जुले, मिलजुल कर या मिले जुले, यानी कि एक जैसे फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं और करते हैं। आलमंड के नजदीक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये है। अगर मैं इसको आलमंड की ही अल्फाज में लिखूं, अ सिस्टम इम्प्लाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट, यानी कि इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, एंड बाउंड्री ऑफ सम काइंड बिटवीन इट एंड इट्स एनवायरमेंट, द क्राइटेरिया ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवनेस मीन्स डैट वेन वी स्पीक ऑफ पोलिटिकल सिस्टम वी इंक्लूड ऑल इंटरक्शन इनपुट एज वेल एज आउटपुट विद द इफेक्ट द यूज ऑफ थ्रेड और यूज ऑफ फिजिकल कोहेजन। Then by interdependence we mean that change in one subset of interaction produces changes in all other subsets. Finally, by the existence of boundary in the political system we mean that there are points where other system end and political system begins. अब मैं आपको इसको अगेन सादा उर्दू में समझा रही हूँ और कुछ पॉइंट्स और अल्फाज मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ जिसको आपने गौर से सुनना है। पहले, a system implies interdependence of part एंड अ बाउंड्री ऑफ सम काइंड, यहां पर आप स्टॉप कर दें, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट। आलमंड कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पार्ट्स अब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इनपुट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनपुट होगी तो आउटपुट होगा, अगर आउटपुट होगा तो सपोर्ट होगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करें, डिपेंड करें, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये डिपेंडेंट हैं, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हैं। यहां तक बात समझ आ गई। एंड अ बाउंड्री ऑफ सम काइंड, और इनके दरमियान कुछ ना कुछ बाउंड्री है। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहे हैं द कॉम्प्रीहेंसिवनेस। आपने पहले लफ्ज हाईलाइट किया इंटरडिपेंडेंस, दूसरा किया बाउंड्री, और तीसरा करना है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। जो बाउंड्री है ना, ये मैं आपको मजीद आगे एक्सप्लेन करती हूँ। आप पहले है कॉम्प्रीहेंसिवनेस पे, मींस व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वी इंक्लूड ऑल इंटरेक्शन इनपुट एंड आउटपुट। कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम एक कॉम्प्रीहेंसिव है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब एक्सक्लूसिव, जामिया, वसी, जो बहुत ज्यादा वसी हो और उसमें तमाम के तमाम चीजें आ जाती हैं, बिलखुसूस इंटरेक्शन, मेल जोल की इसका इनपुट और आउटपुट का, यानी कि इनपुट कैसे अफेक्ट करता है आउटपुट पर और आउटपुट कैसे अफेक्ट करता है इनपुट पर। यहां तक समझ आ गई। पहले इंटरडिपेंडेंस, दूसरा है बाउंड्री, तीसरा है इसकी डेफिनेशन पे कॉम्प्रीहेंसिव। अब आप नेक्स्ट लाइन पर आए जहां पर लिखे देन बाय इंटरडिपेंडेंस। ओके, आई होप आपको पता चल गया हो कि हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। वी मीन डैट चेंज इन वन सबसेट ऑफ इंटरेक्शन प्रोड्यूस चेंज इन ऑल अदर सेट। मैंने पहले आपको कहा कि इंटरडिपेंडेंस हाईलाइट करें, अब दोबारा आलमंड इंटरडिपेंडेंस को बता रहा है कि कैसे एक पार्ट के अंदर चेंज जो है वो तमाम के तमाम पार्ट्स के अंदर चेंज को प्रोड्यूस कर सकता है। फाइनली, बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री मैंने कहा था, मैं बाद में फिर समझाऊंगी बाउंड्री क्या है। कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बाउंड्री एग्जिस्ट करती है जो उसको पॉलिटिकल सिस्टम को अलग करती है दूसरे सिस्टम से। आपको पता है कि एनवायरमेंट में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टर्स होते हैं। ये एक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, ये एक्टर्स जो हैं आपकी इनपुट जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, आपकी डिमांड जनरेट कर रहे होते हैं। बाउंड्री क्या करती है, बाउंड्री बताती है ये वो दूसरे एक्टर्स हैं और ये आपका पॉलिटिकल
सिस्टम है। जैसे आपका घर किसी कॉलोनी में एग्जिस्ट करता है तो आपकी जो घर की बाउंड्री है वो ये बताती है कि यहाँ से घर स्टार्ट होता है और यहाँ पे गली खत्म हो जाती है। जो गेट है वो ये बताता है ये घर यहाँ से स्टार्ट होता है, गली यहाँ पर, रोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। सिमिलरली एक बाउंड्री होती है जो ये बताती है कि पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे जो सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं या सेट्स हैं, दूसरे सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, ये दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। नंबर वन, इंटरडिपेंडेंस के तमाम पार्ट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, चेंज इन वन पार्ट से दूसरा पार्ट भी चेंज हो जाता है। नंबर दो, इन्वायरमेंट होता है, सॉरी बाउंड्री, ठीक है, जो कि हमें ये बताती है कि पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। नंबर थ्री जो है वो है कॉम्प्रीहेंसिवनेस, जिसमें तमाम के तमाम चीज़ें आ जाती हैं, आपका इनपुट एंड आउटपुट आ जाता है। ये तीन चीजें इस आलमंड की डेफिनेशन में आपको याद रखने वाली हैं। अगर हम आलमंड की प्रॉपर्टीज और रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करें तो वो प्रॉपर्टीज ये हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नंबर वन, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। हाँ जी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको पहले भी जब पॉलिटिकल सिस्टम समझाया था, करेक्टरिस्टिक्स, उसमें बताया था कि ये प्रॉपर्टीज हैं। कॉम्प्रिहेंसिव था, एक्सक्लूसिवनेस था, इंटरडिपेंडेंस था, उसमें भी कुछ बच्चों को चीजें समझ नहीं आई थी। अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस का क्या मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम का। जो आलमंड की करेक्टरिस्टिक्स हैं वही एक जर्नल आम पॉलिटिकल सिस्टम की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्टार्ट किया था उसमें पढ़ी थी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या है जी? कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में हर चीज आ जाती है। आपकी पार्लियामेंट भी आ जाता है, आपकी एग्जीक्यूटिव आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, आपके प्रेशर ग्रुप आ जाते हैं, आपका इनपुट आ जाता है, आपका आउटपुट आ जाता है, आपके तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इवन आलमंड का इतना बड़ा दिल है वो ये कहता है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। वो स्ट्रक्चर आपकी किंगशिप भी हो सकती है, किंगशिप यानी कि जो आपकी ब्रादरी है, आपके रिलीजियस ग्रुप हैं, आपकी कल्चरल बॉडीज हैं, या वो ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ किसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, या उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना है, या उनका काम सिर्फ वायलेंस क्रिएट करना है, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर आपकी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अगेन कॉम्प्रिहेंसिव में, पॉलिटिकल सिस्टम में वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी से है। अगर नंबर वन पॉइंट पढ़ें, बहुत सिंपल इंग्लिश है, डैट इम्प्लाइज अ पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड ऑल इंटरेक्शन, जिसमें इनपुट और आउटपुट भी आ जाता है। द मेयर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फाउंडेशन, सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं जो लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है, कानून साजी करता है, इलेक्शन से बनता है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, विद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक, और उसकी कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है, और डिफरेंट मीडियाज, इवन के मास मीडियाज भी आ जाते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स में। आलमंड, मैंने अगेन मैं बता रही हूँ कि वो इतने ओपन माइंड है उनका और इतना बड़ा दिल है, वो कहते हैं कि वो तमाम के तमाम अदारे, चाहे वो आपकी ब्रादरी हो, कास्ट ग्रुप हो, आपकी कोई कल्चरल बॉडी हो, आपकी कोई इकोनॉमिक फिनोमेना, लिखा मैंने लास्ट पॉइंट में, लास्ट लाइन में, इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक का मतलब है जो फसादात करने वाले ग्रुप्स होते हैं, जिनका काम ही फसादात करना है, प्रोटेस्ट करना है, रॉट्स करना है, यानी कि रॉट्स होता है फसादात करना, स्ट्रीट डेमोंस्ट्रेशन करना, चीखो पुकार करना, चीजें तोड़ना, टायर जलाना। आलमंड कहते हैं तमाम के तमाम चीजें आपकी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जामिया है, वसी है, वो अपने अंदर हर चीज को समा लेता है। सेकंड, इंटरडिपेंडेंस। मैंने आपको पहले भी बताया है इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है। आलमंड कहते हैं कि चेंज इन वन पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम
कैन कॉज चेंज इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल सिस्टम के चेंज आता है तो उसकी वजह से दूसरे इदारे भी इफेक्ट होते हैं, उनमें भी चेंज आ सकता है. अगर नंबर वन पॉइंट पढ़ू, इट इम्प्लाइज अ चेंज ऑफ वन सबसेट ऑफ इंटरेक्शन प्रोड्यूस चेंजेस इन ऑल अदर सबसेट एज वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप एंड फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स. अगर आपका पार्लियामेंट आज ये कहता है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट होना है, तो चेंज इन लेजिस्लेटिव मोड कैन प्रोड्यूस चेंज इन होल सेक्ट ऑफ होल सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि आपका एक चीज चेंज होने से आपके पूरे के पूरे कम्युनिटी पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे इफेक्ट है. आज आपके मुल्क में या पूरी इंटरनेशनल एक पैंडेमिक जो है, एक वबा जो है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम में एक चीज के लॉकडाउन होने से, एक चीज के चेंज होने से देखें आप किस तरह उसका इफेक्ट है दूसरी चीजों पर. पॉलिटिकल सिस्टम में आज आपकी इकॉनमी बिल्कुल स्टॉप हुई, उसकी स्टॉप होने की वजह से आपको सोशल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल और डिफरेंट सेक्टर्स कैसे जो है अफेक्टेड है. तो आलमंड ये कहते हैं जब जैसे ही किसी एक इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल सिस्टम के जो है वो चेंज आता है, वो दूसरे सेक्ट में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. एक इंटरेक्शन में एक चीज दूसरी चीज पे जो है वो डिपेंड करती है. ऐसा ठीक है, हर चीज का अपना अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन उन स्ट्रक्चर में जब स्ट्रक्चर उनका अपना अपना है, लेकिन फंक्शनल जो है समटाइम ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस भी परफॉर्म कर जाते हैं. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है डिमांड जनरेट कर सकती है, एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, एंड जो है आपके प्रेशर ग्रुप जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है. तो इसमें क्या होता है कि समटाइम ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, इसलिए एक हिस्से में चेंज होने से दूसरे हिस्से में भी चेंज आ सकता है. फॉर इंस्टांस चेंज इन टेक्नोलॉजी हम ये स्लाइड जो है, ये स्टूडेंट्स क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसको अगर मैं बैक करूंगी तो पिछली रिकॉर्डिंग स्लाइड डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इंटरडिपेंडेंस ही समझा रही हूँ. ये स्लाइड अभी हम नहीं स्टडी कर रहे. इंटरडिपेंडेंस में जो लास्ट पॉइंट है उसमें यही है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है, आपका मोड ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑपरेट करने का जो है टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया है. तो इंटरडिपेंडेंस मीन अगेन चेंज इन एनी वन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कैन प्रोड्यूस चेंज इन द रेस्ट ऑफ द पार्ट. और इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो चीजें हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, इनके एक का फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एग्जीक्यूटिव की है. तो उसकी प्रोटेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जुडिशरी की है. इट्स मीन कि लॉ को जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, उसकी फॉर्मेशन, हर चीज वो तीन ब्रांचेज जो है मिलकर करते हैं. इसका इट्स मीन कि वो आपस में इंटरडिपेंडेंस है. जो नंबर थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम की वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री. वो बाउंड्री जो मैंने आपको पहले बताया था जो पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करती है, कि जिसमें हमें ये पता चल सके कि यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जो दूसरे सिस्टम है वो खत्म हो रहे हैं. अगर आप इसका नंबर वन पॉइंट स्टडी करें, इट इम्प्लाइज डेट देयर आर सर्टेन पॉइंट वेयर द पॉलिटिकल सोसाइटी एंड अदर सिस्टम बिगिंस. यानी कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर दूसरे सिस्टम भी शुरू होते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम भी शुरू होता है, लेकिन हमेशा बात याद रखिएगा, जहां पर दूसरे सिस्टम खत्म होते हैं वहीं से पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट होता है. यानी कि बाउंड्री बना दी जाती है कि ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है, और यहां पर आपके दूसरे सिस्टम जो है वर्क नहीं करेंगे. आपको मुझे पता है समझने में थोड़ी सी इश्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब हम फेस टू फेस बैठ के पढ़ते हैं तो थ्रू व्हाइट बोर्ड और डिफरेंट जो है तरीकों से हम एक दूसरे में टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करती हैं. बेटा आपने एक इमेजिनरी सी एक जो है ना इमेज अपने माइंड में डेवलप करना है. आलमंड जो कह रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम ये है और इसमें कुछ चीजें इमेजिनरी भी हैं, यानी कि आप
आजकल के दौर में पॉलिटिकल सिस्टम को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन आलमेड के मुताबिक ये जर्नल ही नहीं आलमेड कह रहा है कि एक बाउंड्री लाजमी होती है जो बताती है ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम है और ये आपकी सोसाइटी है। ठीक है, तो हर सिस्टम जहां दूसरे सिस्टम खत्म होते हैं वहां पे बाउंड्री होती है जो ये बताती है कि यहां से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको खुद स्टडी कर लें, यानी कि ये कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, अगर आप नंबर टू देखें द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड्स एंड पॉलिटी डिफरेंट फ्रॉम द वन पॉलिटिकल सिस्टम टू अनदर, बट इवन इन द कम्युनिकेशन प्रिमिटिव ब्रांड सम सिग्नलिंग अकरिंग मेकिंग द ट्रांजेक्शन एंड फ्रॉम द रिलीजियस टू आर पोलिटिकल रोल। अब इस पॉइंट में सिंपली ये कहा गया है कि प्रिमिटिव ब्रांड यानी कि पुराने जमानों में भी बताया जाता था ये आपके मजहबी सिस्टम है यानी कि रिलीजियस सिस्टम है और ये आपके पोलिटिकल सिस्टम है, यानी कि हर दौर में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ बाउंड्री रहती है जो आपकी सोसाइटी को सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम से अलग करती है और ये बाउंड्री जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, ये एक जैसी नहीं रहती। ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी सोसाइटी के मुताबिक जो है ये बाउंड्री चेंज होती रहती है। ओके, अब अगर हम आलमेड की प्रॉपर्टीज थी, अब अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करें कि पॉलिटिकल सिस्टम के वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं आलमेड के मुताबिक, तो नंबर वन जो है वो यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यूनिवर्सल होता है, चाहे यूनिवर्सल मींस कि अगर डेवलप स्टेट है, अंडर डेवलप है, थर्ड वर्ल्ड है, मिच्योर है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लेकिन किसी भी हर सोसाइटी में यानी कि डेवलपिंग है, डेवलप है, अंडर डेवलप है, हर सोसाइटी में कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम लाजमी एग्जिस्ट करता है। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम ना हो। अगर मैं इसका पॉइंट स्टडी करूं तो द इंडस्ट्रियल मिच्योर सोसाइटी ऑफ द वेस्ट हैव कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे ऊपर मैं पहले पढ़ती हूँ पॉइंट, दे आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ग्लोब, यानी कि ग्लोब मीन पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट में जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और वो उनकी जो वेरिएशन है वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में लेजिस्लेचर ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अफगानिस्तान की लेजिस्लेचर इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। तो आलमेड ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम है लेकिन जो इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, वो कहीं पे डिवेलप है, कहीं पे कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे एडवांस है। द इंडस्ट्रियलाइज मिच्योर सोसाइटी ऑफ वेस्ट हैव कॉम्प्लेक्स पोलिटिकल स्ट्रक्चर वेर एज डिवेलपिंग कंट्री ऑफ थर्ड वर्ल्ड हैव सिंपल स्ट्रक्चर। आलमेड पुट इट्स डैट इन ऑल सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम हैड पोलिटिकल स्ट्रक्चर। जो इसमें मेन पॉइंट ये है समझने वाला कि आलमेड कहता है कि हर पोलिटिकल सिस्टम में ही पोलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, हर पोलिटिकल सिस्टम में ही पोलिटिकल स्ट्रक्चर लाजमी होता है। Even the simplest political system have a political structure which may be compared with developed structure of West. Armand has admitted that the comparison between two type of structure may not be completely relevant but they can be compared. Moreover, emergence of new state system in the third world encourage Armand to advise technique that will helpful for comparison. अगेन आलमेड कहता है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप डेवलप की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है, वो एडवांस है। अगर अंडर डेवलपिंग की बात करें तो वो सिंपल है। वो आलमेड ये भी कहता है कि ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि इन दोनों को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कंपेयर करें भी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवेलप का पोलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, डिवेलपिंग का कैसा है। नंबर टू जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये हमने पहले भी जब पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें यही करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल सिस्टम का ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, ये लाजमी है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, इनफॉर्मल ग्रुप्स, आपके मास मीडिया आ जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स लाजमी होते हैं। और बेटा बाय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आलमेड मीन
एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तमाम के तमाम चीज़ें, पोलिटिकल पार्टीज़, ये जो मैंने आपको इस स्लाइड में, इस जो कहते हैं इस टॉपिक में जो पहले आपको बताई हैं, आपको याद रखना चाहिए कि पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स के आलमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, आलमेंट अब इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आलमेंट कह रहे हैं कि तमाम पोलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना कुछ पोलिटिकल फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। दे मे बी अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, बट ऑल सिस्टम परफॉर्म ऑलमोस्ट सेम पोलिटिकल फंक्शन। फॉर द पर्पज ऑफ कम्पेरेटिव एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस कैन बी स्टडी। देखिए अगेन वो कहते हैं पोलिटिकल सिस्टम में, पूरी दुनिया में पोलिटिकल सिस्टम है, ठीक है ना, चाहे वो डिवेलप स्टेट है या अंडर डिवेलपिंग स्टेट है, उनके पोलिटिकल स्ट्रक्चर है और वो तकरीबन सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। कॉमन सेंस की बात है, एग्जेक्टिव है, वो क्या करेगी, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी, चाहे वो एग्जेक्टिव इंडिया की है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है, चाहे अमेरिका की है। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करेगी, वो इलेक्शन का टेस्ट करेगी, वो कम्पेन करेगी, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे वो ब्रिटेन की है, चाहे वो चाइना की है, चाहे वो इंडिया की है। जुडिशरी है, जुडिशरी क्या काम करेगी, जुडिशरी लॉ प्रोटेक्शन करेगी, लॉ की तशरीह करेगी, चाहे वो किसी भी कंट्री की है। तो आलमेट कहते हैं कि तमाम पोलिटिकल सिस्टम में पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अगेन बाय पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स मीन एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, पोलिटिकल पार्टीज, वो तमाम इदारे जो मैंने पिछली स्लाइड्स में एक्सप्लेन किए हैं। आपको बकायदा कॉपी पेन से रख के बैठना चाहिए, इन चीजों को नोट करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है। और वो कह रहे हैं कि जितना भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज पूरी दुनिया में सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एग्जेक्टिव वो पूरी दुनिया में सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेजिस्लेचर है वो पूरी दुनिया में सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसके बाद थर्ड है मल्टी फंक्शनल, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी फंक्शनल जो है वो मल्टी फंक्शनल होता है, यानी कि वो उसके पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं टू परफॉर्म। कैसे, एग्जेक्टिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकती है और लॉ मेकिंग भी कर सकती है, लॉ मेकिंग का काम तो जुडिशरी भी कर सकती है इस तरह से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अवेयरनेस का काम, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस, ये लेजिस्लेचर भी करती है, ये एग्जेक्टिव भी करती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं। तो आलमेट कहता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मे बी स्पेशलाइज और नो स्पेशलाइज और मे बी प्रिमिटिव, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज भी हो सकते हैं, नॉन स्पेशलाइज भी हो सकते हैं। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या है मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो है उसके पास मल्टी फंक्शनल होते हैं, विच मीन टू द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैव बीन स्पेशली स्टेटेड इन प्रैक्टिस, द स्ट्रक्चर परफॉर्म अदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, द चीफ फंक्शन ऑफ कोर्ट इज टू एजुकेट, बट इन प्रैक्टिस इट परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट का जो मेन फंक्शन है वो लॉ की तशरीह करना है, लेकिन वो लॉ मेकिंग का काम भी कर सकता है। इन द सेम वे लेजिस्लेटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट हैज टू फॉर्म टू एक्ट लाइक अ कोर्ट ऑफ लॉ, और सम टाइम लेजिस्लेटर भी जो है वो लॉ कोर्ट ऑफ लॉ का जुडिशरी का टास्क भी परफॉर्म कर रहा होता है। तो इन डेमोक्रेटिक स्टेट जो आपका प्रेशर ग्रुप है वो भी लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा होता है, कैसे वो बकायदा अपनी डिफरेंट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि लॉ ऐसे बनाए जाए जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हो। समटाइम कोई पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं, लॉबीज बन जाती हैं। तो चाहे आपका पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप स्टेट का हो, अंडर डेवलपिंग का हो, मॉडर्न हो, प्राइमेटिव हो, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो फंक्शन है वो मल्टी फंक्शंस होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑलमेट। अच्छा, अब नेक्स्ट है मिक्स कल्चर, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ना तो फुली डिवेलप्ड है, ना फुली अंडर डिवेलप्ड है, ना ही प्रिमिटिव है, ना ही मॉडर्न है, यानी कि यहाँ पे मिक्स कल्चर है। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स सिस्टम इन द कल्चरल सेंस, द कल्चर ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर्स, यानी कि मॉडर्न भी है ट्रेडिशनल भी है। अगर हम इसमें ग्रेट ब्रिटेन की एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे क्वीन भी है, मोनार्की भी है, और वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहती है, लेकिन वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पे बीजेपी जो पार्टी है जो बहुत ही कंजर्वेटिव और रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल कल्चर है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मिक्स है, यानी कि मॉडर्न भी है और प्रिमिटिव जो है वो कल्चर ओरिएंटेड भी है।
अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो इतना मॉडर्न है ना ही प्रिमिटिव है, इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो मिक्स कल्चर होते हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत मॉडर्न है, ये कल्चर ओरिएंटेड नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रेडिशंस नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न नहीं। हर पॉलिटिकल सिस्टम में उसके ट्रेडिशनल्स, उसके कस्टम, उसके जो है रिलीजियस इफेक्ट लाजमी होता है, और वो आपके जो सोसाइटी में जो आपकी रिलीजियस डोमिनेंस है वो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी नजर आ रहा होता है। हाउएवर द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर मे बी बोथ इन केसेस दे आर आल्सो स्टेज इन प्रोसेस ऑफ सिमिलेशन, यानी कि वो आलमंड कहते हैं कि कहीं जगह बहुत ज़्यादा जो है आपको ट्रेडिशन स्ट्रांग नज़र आते हैं, कहीं भी बहुत कम नज़र आते हैं, कहीं भी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, लेकिन ये मिक्स कल्चर होता है। आप यही नहीं कह सकते कोई पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड है और कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिमिटिव है, बल्कि मिक्स कल्चर है। बेसिकली आलमंड की जो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक अटेम्प्ट है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दे सकें कि दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। मैंने जो आज इस वीक जो लेक्चर डिलीवर किया है आपको दो मॉडल समझाए हैं और आपको एक जो है ये स्लाइड उससे पहले एक मॉडल की मैं आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। आप उसको पढ़ें और आज का लेक्चर देखें। अगर आपको कोई चीज़ है, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करें ताकि हम इस चीज़ को रिजॉल्व करें। मैं ये मॉडल थोड़ा स्लोली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप बार बार पढ़ें और आपको समझ आ जाए। मैं इसको पिछली वीक की तरह नहीं लेके चलना चाह रही कि मैंने आपको पढ़ा दी और आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो आप यहाँ तक आपको जो चीज़ समझ आ गई है आप इसको देखें, पढ़ें और फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी इसके ऊपर। थैंक यू।